हेलो एवरीवन, आईएएस के पदों पर विकलांगता रिजर्वेशन के माध्यम से पदों को भरे जाने को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। कहा यह भी जा रहा है कि यूपीएससी यहां पर विकलांग कोटे को लेकर के यहां पर चेंजेस लेकर आने वाली है और इसके माध्यम से आईएएस के पदों में यह परिवर्तन देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो यूपीएससी पर लगातार सवाल खड़े हुए हैं। सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि एक तरफ यहां पर पूजा खेड़कर ने डिसेबिलिटी और ओबीसी सर्टिफिकेट का दुरुपयोग करके फर्जी तरीके से यहां पर यह पद हासिल किया, वहीं दूसरी तरफ यूपीएससी के चेयरमैन ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया। साथ ही एक एक करके कई ऐसे अधिकारियों का नाम भी सामने आया जो कि इस तरह के फर्जीवाड़े में फंसे हुए हैं। तो क्या यूपीएससी इस तरीके के बदलाव करेगी? इससे किस तरीके के परिवर्तन हो सकते हैं? क्या आईएएस जैसे वर्क फील्ड आपको देखा जाए कार्यों को लेकर के पदों में यहां पर विकलांग कोटा खत्म किया जाना चाहिए? आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले पूरे मामले को यहां पर समझते हैं, मामला कैसे शुरू हुआ, इस विवाद की यहां पर जो कहानी है। देखिए, दिव्यांगता का जो कोटा यहां पर है इसके चयन को लेकर ही विवाद यहां पर खड़ा हुआ है। खड़ा इसलिए हुआ है क्योंकि पूजा खेड़कर का मामला हमने देखा है, किस तरीके से उन्होंने इसका लाभ उठाया, किस तरीके से उन्होंने इसका दुरुपयोग किया। अब प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर को लेकर जारी विवाद के बीच ही यहां पर देखा जाता है, एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने भारतीय जो प्रशासनिक सेवा है, भारतीय यहां पर अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में दिव्यांगता कोटे की आवश्यकता पर ही सवाल खड़े कर दिए कि क्या आईएएस जैसे पदों पर जो कि एक फील्ड वर्क है वहां पर हम दिव्यांग व्यक्तियों को या फिर ऐसे लोगों को क्यों यहां पर पद। लेकिन एक सवाल यहां पर इसके माध्यम से जरूर पूछा गया। यूपीएससी देखा जाए जल्द इसमें यहां पर बदलाव कर सकती है, ऐसा देखने को मिल सकता है और ऐसा यहां पर आने वाले समय में भी हो सकता है, आने वाले एग्जाम में भी ये देखने को मिल सकता है। विकलांगता कोटा है क्या, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, विकलांगता जो कोटा है विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित पदों पर आरक्षित 1% है और इसका जो उद्देश्य होता है इसके माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा, रोजगार और अन्य क्षेत्रों में समान पहुंच और अवसर को सुनिश्चित करना है। विकलांग व्यक्ति के संदर्भ में देखा जाए तो समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा, पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के अनुसार सरकारी नौकरियों में 3% रिक्तियां जो है विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगी और इसी के माध्यम से यहां पर रिजर्वेशन है भी। 3% को देखा जाए तो अंधेपन या कम दृष्टि, श्रवण दोष, चलने फिरने में अक्षमता या मस्तिष्क पक्षाघात में विभाजित यहां पर किया जाता है, जिसमें प्रत्येक श्रेणी को 1-1% यहां पर मिलेगा और उसके माध्यम से व्यक्तियों को यहां पर ये पद मिलते हैं। तो ये आपका एक विकलांग कोटा है जो इस समय यहां पर यूपीएससी एग्जाम में भी लागू होता है। अन्य एग्जाम में देखा जाए तो यहां पर जो कोटा सिस्टम है दिव्यांग या विकलांग व्यक्तियों के संदर्भ में, तो आईआईटी में देखा जाए तो 4% है, एनआईटी में देखा जाए तो 5% है, आईआईएम में देखा जाए तो 5% है और यूपीएससी के एग्जाम में देखा जाए पहले 3% था, जिसमें 1% और यहां पर संशोधन करके जोड़ दिया गया और यह अब यहां पर 4% कर दिया गया है। यूपीएससी की परीक्षा में विकलांगता जो कोटा है यह और भी यहां पर कुछ संदर्भों में समझने की जरूरत है। इसको बढ़ाया कैसे गया? दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों का आरक्षण बढ़ाकर कितना किया गया? 4%। यानी कि 2016 में देखा जाए तो जो 3% पहले यूपीएससी आरक्षण देती थी वो कितना हो गया? 4% हो गया। चूंकि ये कानून देश के सभी प्रीमियम सरकारी शिक्षा संस्थान और नौकरियों पर लागू होता है, इस दृष्टिकोण से यहां पर यूपीएससी में भी ये लागू होता है। यह दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, गति बाधित, ऑटिज्म, बौद्धिक बाधक, बहुविकलांगता, बौद्धिक बाधक विकलांग अभ्यर्थियों के लिए अपनी रिक्तियों के 4% को यहां पर आरक्षित रखता है और इन्हीं सभी श्रेणियों के अंतर्गत लोगों का इसमें चयन किया जाता है। अब देखा जाए तो इसको सुनिश्चित कैसे किया जाता है? तो इसको सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले हम देखें तो विकलांगता का सामना कर रहे लोग आरक्षण का इसके माध्यम से लाभ, यानी कि जो व्यक्ति यहां पर विकलांग है इस 4% के रिजर्वेशन के माध्यम से इसका लाभ मिलता है। यूपीएससी ने आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम यहां पे 40% विकलांगता का यहां पर प्रावधान किया है, यानी कि जो भी यहां पे विकलांगता के नाम दिए गए हैं उसमें यहां पर उस पर्टिकुलर चीज में आपका 40% अगर आप विकलांग है तभी यहां पर आप अप्लाई होते हैं। यानी कि यूपीएससी की जो शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए जो आयु सीमा है, प्रयासों की संख्या है, उसमें एक तरीके से छूट भी इनको मिलती है। परीक्षा केंद्रों में देखा जाए तो इनके लिए विशेष प्रावधान भी यहां पर किया जाता है। तो उस विकलांगता के संदर्भ में यूपीएससी जैसी जो संस्थाएं हैं इनको अलग अलग प्रकार की सुविधा भी प्रदान करती है, परीक्षा से लेकर उसके कंडक्ट कराने से लेकर के आयु इत्यादि में छूट और प्रावधानों के साथ साथ अटेम्प्ट में भी इनको छूट दी जाती है। बात करें कि यूपीएससी सिविल सेवा के लिए जो आवश्यक यहां पर शारीरिक मानक है,
प्रत्येक पद के लिए यहां पर अलग अलग आता है। कैसे आता है वो भी यहां पर देख लीजिए। प्रत्येक सेवा के लिए विशिष्ट शारीरिक आवश्यकताओं का विवरण देने वाली एक संकलित सूची दी गई, ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस गति विकलांगता, दृश्य विकलांगता और श्रवण विकलांगता के संदर्भ में यहां पर है। भारतीय विदेश सेवा के संदर्भ में आईएफएस के लिए गति विकलांगता, दृश्य विकलांगता और श्रवण विकलांगता शामिल है। और भारतीय राजस्व सेवा के संदर्भ में सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ग्रेड ए के संदर्भ में लोकोमोटर विकलांगता और श्रवण बाधित विकलांगता यहां पर आपको शामिल है। यानी कि ये अलग अलग विकलांगता की सूची अलग अलग पदों के संदर्भ में यहां पर अप्लाई होती है। इसी तरीके से भारतीय पीएनटी लेखा एवं वित्त सेवा ग्रेड ए लोकोमोटर विकलांगता, दृश्य हानि और श्रवण हानि यहां पर आपको शामिल है। भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा में देखा जाए जो ग्रेड ए के हैं उसमें लोकोमोटर विकलांगता, श्रवण बाधित। भारतीय रक्षा लेखा ग्रेड ए में देखा लोकोमोटर यहां पर विकलांगता आपको शामिल की गई है। भारतीय राजस्व सेवा में देखा जाए तो आपको ग्रेड ए के अंतर्गत लोकोमोटर विकलांगता, दृश्य हानि, श्रवण हानि आती है। भारतीय आयुध में लोकोमोटर विकलांगता, फैक्ट्री सेवा ग्रेड ए के अंतर्गत दृश्य हानि, श्रवण हानि। भारतीय डाक सेवा ग्रेड ए के अंतर्गत लोकोमोटर विकलांगता, दृश्य हानि, श्रवण हानि। और भारतीय सिविल लेखा सेवा ग्रेड ए के अंतर्गत लोकोमोटर विकलांगता, दृश्य हानि, श्रवण हानि जैसे यहां पर विकलांगता के कैटेगरीज को शामिल किया जाता है। इस तरीके से अलग अलग पदों को लेकर के विकलांगता की जो वर्तमान स्थिति है, क्या यूपीएससी यहां पर विकलांगता के कोटे में परिवर्तन करेगा, क्या आने वाले समय में यहां पर जो एक समस्या खड़ी हुई है, जो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, क्या उसे ठीक करने का प्रयास किया जाएगा, क्या कुछ यहां पर परीक्षा के संदर्भ में यहां पर बदलाव होंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, यूपीएससी जैसी संस्था में एग्जाम कराने को लेकर के जो फर्जीवाड़ा यहां पर हुआ है उसमें सवाल जरूर खड़े हुए हैं। आज सेशन में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर देखेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड।